दोस्तों ये पहुंच गए हैं मिगतपुरी रेलवे स्टेशन और यहाँ से अब घाट सेक्शन शुरू होने वाला है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कवर करूँ। बाकी जो पूरी जर्नी हुई है उसकी मैं आपको जब मैं LTT पहुंच जाऊँगा तब मैं आपको पूरी कहानी बताऊँगा किस वजह से मैं कैप्चर नहीं कर पाया सारे शॉट्स को, ना ही कोई क्रॉसिंग हो पाई, ना कोई क्रॉसिंग तो काफ़ी सारी हुई, मैं खुद कैप्चर नहीं कर पाया। तो इसलिए कोच इतना फुल है, स्लीपर में मैंने टिकट कराकर गलती कर दी, मुझे थर्ड AC में कराना चाहिए था। बात करें अगर इगतपुरी की तो खाने पीने की सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप देख सकते हो टी स्टॉल जितने स्टॉल है सब खुले हुए हैं। यहाँ पर केले आपको मिलते हैं और मुंबई का फेमस वड़ा पाव तो नासिक से ही मनमाड़ से ही मिलना शुरू हो गया था। तो आइए देखते हैं आगे के शॉट कैसे रहते हैं, रिकॉर्ड कर पाते कि इतना भीड़ है ना मैं आपको क्या बताऊं। चलिए देखते हैं आगे का शॉट, जब डिपार्चर होगा तब मैं आपसे मिलूंगा दोस्तों। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आते हैं हमारे ट्रेन, जैसा कि आप पीछे देख सकते हो, मतलब यहाँ से पूरा घाट सेक्शन शुरू होने वाला है। तो दिखाते हैं आपको आगे घाट, आई थिंक चेन भी हुई है, गाड़ी स्लो हो रही है। यहाँ पर ट्रैक मेंटेनेंस का काम हो रहा है, हमारे वर्कर्स लोग इंडियन रेलवे की शान कह जाते हैं। भाई पूरी जर्नी में अब जाके गेट पे आने का मौका मिला है, आप सोच सकते हो कितनी फुल है ट्रेन। एक लाइन वहाँ से जा रही है वो भी अपने साथ ही साथ चलेगी लेकिन थोड़ी दूरी से, एंड थोड़ा कर्व है। कोई ट्रेन भी आ रही है शायद, कोशिश करेंगे देखने की कौन सी ट्रेन है। गोदान एक्सप्रेस दोस्तों, लोकमान्य तिलक टर्मिनस टू गोरखपुर जंक्शन गोदान एक्सप्रेस, ऐसी क्रॉसिंग हमें मिली इगतपुरी आउटर पे। काफी बढ़िया ट्रेन है ये भी, ट्रेन से जर्नी करने का मेन मकसद यही था कि इगतपुरी के और कसारा के बीच का जो घाट सेक्शन है मैं आपको वो दिखा पाऊँ। ये देखिए बैंकर, ये बात कर कोशिश करते हैं कि पूरा रिकॉर्ड करेंगे। मौसम में तो ये और भी हरा भरा दिखता है, तो
काफी गहरी खाई है यहाँ पर। ये ट्रेन हमारी एंटर कर रही है टनल में। टनल में स्टॉप। शुरुआत के 5-6 कोच टनल में है। ये देखिए हमारी ट्रेन कैसे सांप की तरह मुड़ी हुई है। ट्रेन को एक्सेलरेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ब्रेक रिलीज करो और गाड़ी अपने आप चलेगी अच्छी खासी स्पीड में। ये टनल आ गई, देखो सब चिल्ला रहे हैं। काफी छोटी टनल थी, एक लाइन वहां से जा रही है, काफी दूर है हमसे। शुरुआत में अगर GoPro होता ना तो उसका बहुत मस्त रिकॉर्ड होता, इसी कैमरा क्वालिटी थोड़ी कम सही हो रही है। वॉटरफॉल छोटा सा, ये वो ट्रैक है जो दूर था अभी हमसे, अब पास में आ गया है। मेंटेनेंस हो रहा है यहाँ पर ट्रैक का। और ये सामने देखो आप गाइस, सामने की चढ़ाई देखो कितनी सीधी चढ़ाई है, सामने की चढ़ाई देखो। आई होप कि आप देख पाए होंगे इस चढ़ाई को।
मेंटेनेंस। फिर से रुक रही है ट्रेन। एक्सेलेरेट करने की जरूरत ही नहीं, ढलान की वजह से ट्रेन अपने आप ही स्पीड पकड़ ले रही है, देख सकते हो आप। तो पता नहीं क्या हुआ, इस कोच में झटके मार रहे हैं, मतलब वो पहाड़ से आ रहे हैं हम।
सारे ट्रैक एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में, ट्रैक साउंड आप इंजॉय कर।